हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो टुडे इज 17 जुलाई और अपना तरुण भाई साहब बना रहे हैं। क्या बना दिया? मैक्रोनी। वाह जी वाह, आजा मैक्रोनी बनाइए भाई, आजा जल्दी डाल यार, जल्दी दे, मुंह में पानी आ गया। तो मैक्रोनी खाते हैं सबसे पहले। और टाइम हो चुका है 12:38 हो चुके हैं और इनको जाना है अभी 2:30 निकल जाएंगे, 2 बजे निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। तो अभी 1 बजने वाला है बस। तो सबसे पहले खाते हैं मैक्रोनी और फिर मैं सोच रहा हूँ आज बाल कटवाने का, पर मूड नहीं है यार अभी मेरा बाल कटवाने का। वैसे बड़े तो हो गए हैं पर फिर भी चलो देखता हूँ कटवाते हैं या नहीं कटवाते हैं। और बाकी अभी तो मैक्रोनी खाते हैं। भाई ने मैक्रोनी बनाई है दिल से ही बनाई है ना? हाँ, दिल से थोड़ी ना, हाथों से बनाई है, दिल से बनाई है। इसमें दिल भी लग गया मेरा। चल ठीक है यार, मैक्रोनी खाते हैं। फिर इतनी मिर्च डाल दी ना मैक्रोनी में, अभी मैं बीच बीच में 2 चीनी खा ली मैंने, इसमें मिर्च। वो अब उस रूम में पड़ रहे हैं जाके, मेरी मैक्रोनी अब खत्म हुई है उनके 15 बाद। बहुत मिर्च यार, धुएं उठ गए, धुएं आगे ही पीछे से। हे गाइस, गुड इवनिंग क्या गुड नाइट होने वाली है। और पता क्या, वो फोन आई, उनकी कॉल आई तो बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा हूँ। चलो अभी करता हूँ मैं आपसे। सो यार गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ दही लेने नीचे ताऊ की दुकान पे। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज का रायता बना रहे हैं। और राम राम, दो रायते दियो। रायते का दो, दही दे दो। 10 बज चुके हैं और रात के, और अभी बन रहा है हमारा खाना। हम बना रहे हैं प्याज का रायता और विद पराठे। और हम तीन ही हैं रूम पर, तीन बंदे, मैं, नवीन और प्रिंस। तो और रोहित और तरुण तो चले गए थे ऑफिस। जैसे ऑफिस गए थे हमने मैक्रोनी खाई, मैक्रोनी खाने के बाद फिर नींद आई। क्या नींद आई, मजा आ गया क्योंकि मैं रात को ही सोया था, उसी टाइम पे सोया। फिर नवीन आया 2:30 तो वो भी सो गया फिर आते ही। तो बस फिर अभी उठे 8:30 के आसपास। फिर प्रिंस आया था तो प्रिंस ने उठाए कि चलो खाना बनाते हैं। तो फिर खाना बनाने अभी स्टार्ट किया, 10 बज चुके हैं। तो बस अभी, और आज प्रिंस अपना फर्स्ट कैच बना देगा, ठीक है ना प्रिंस? बना दूंगा, फर्स्ट कैच बना देगा ना प्रिंस आज? पक्का आज पहली वीडियो आ जाएगी, नहीं मतलब शूट हो जाएगी, और 2-3 के अंदर हमारी वीडियो आ जाएगी चैनल पे। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज सब्सक्राइब। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं भी इनके साथ बनवा देता हूँ खाना। मेरे को बनाना है रायता, ये बनाने हैं दोनों पराठे। तो बस अभी 2 में खाते हैं, तब तक तरुण और रोहित भी आ जाएंगे। उनका आने का टाइम है अभी 11 के आसपास आएंगे, वो 11 छुट्टी हो जाएगी उनकी, तो वो भी आ जाएंगे। वो उनके आने से पहले हम पराठे खा जाएंगे और बस फिर अपना वो आगे बर्तन साफ कर जाएंगे। ये नवीन भाई साहब ऐसे ही रहते हैं हमेशा, तो इन्होंने अपनी कंपनी का एप्रन डाला है। तो करते हैं यार खाना स्टार्ट, जल्दी से रायता लेके आओ यार मेरे पास और पराठे निकालो और दो जल्दी। हाँ, पीने वाला रायता है तो मजा आ जाएगा। बस अभी यार लेट खाना खाना पड़ रहा है, रात को फिर जागते हैं, काम करते हैं। इस वजह से आज प्रिंस अपनी फर्स्ट वीडियो शूट कल भी करनी थी, आज पक्का कर देगा। अचार लाए? किस किस चीज़ का अचार है? नींबू का, आम का लाया? ये इसमें ही है। खाते हैं यार खाना, मिलते हैं फिर आपसे। तरुण और रोहित भी आने वाले हैं। सो गाइस, अभी हम सबका मूड कर रहा है चाय पीने का, तो हम जा रहे हैं दूध लेने। तो अभी दूध ढकले इसको ढकले, सही रहेगा। क्योंकि इज्जत सबसे वो होती है बंदे की, क्या होती है? पहला गहना जो भी। तो हम जा रहे हैं अभी दूध लेने, मैं और तरुण, ठीक है? तो चलो फिर चलते हैं, रात के बज चुके हैं, 12:30 बज गए होंगे, टाइम इतना होगा 12 बज गया, देख लो भाई 11:51 हो गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दूध लेने। चप्पल कहाँ है यार? चप्पल में शूज पहन लेता हूँ। अरे ना, चप्पल नहीं पहनता, शूज पहन लेते हैं अपने वाले। और भैया क्या हाल है? इवनिंग तो चली गई, नाइट आ गई अब तो। और वो तो ठीक है, हमारी तो सुबह आती है, नाइट सुबह सोते हैं डेली। दो दूध की थैली दे दो। और फ्रिज लेनी है क्या? पिएगा? ले लेनी है। ठंडा पीनी है क्या? पी लेंगे। दो फ्रिज दे दो।
यार फिजूला शगुन शगुन शलगम सलगम सलगम नहीं शो शो शलगम से से शो शो बोल दी वही भाई से ना सह सलगम वाला सह नहीं बोला जा रहा ना मुझसे बोला जा रहा था पहले ना अपनी से बोला जा रहा था अब इससे भी नहीं बोला सर नहीं श नहीं बोल नहीं बोल शलगम सलगम सलगम नहीं शलगम सलगम सलगम नहीं श एक के साथ बोल लेता श बोल के था कुछ भी नहीं था बता कीड़ा था कीड़ा कीड़ा कहाँ था दीवार पे सोते हुए अरे 3D लगती है ना दीवार दिल्ली से हरियाणा कितने जिले लगते हैं दिल्ली से ऑप्शन देना ऑप्शन ये दे बता तो ऑप्शन नहीं मिलेगा नॉर्थ वेस्ट साउथ से हरियाणा के जिले लगते हैं चार जिले लगते हैं चार जिले मैं बता दूंगा ये तो मैं बता दूंगा कौन कौन से लगते हैं फर्स्ट तो हम जहाँ बैठे हैं गुड़गांव ठीक है सोनीपत सोनीपत फरीदाबाद ठीक है रोहतक हो गया झज्जर है झज्जर है हाँ झज्जर है झज्जर है याद रखिएगा अब कौन से टाइम है भाई मैगी लाने का भाई हम चावल बनाएंगे तो चावल बना लो फिर मैगी मैगी बनाने का टाइम नहीं है खाने नहीं खा तो हम लेंगे चावल से मना थोड़ी ना करते हैं तेरी तो नहीं चावल बनाओ इतना मेरी वीडियो शूट करते हो अलग अलग एंगल से चल ठीक है चलो पहले मैंने उड़ा ली वीडियो और किसकी चलते चावल बना और पूछ ले किसी बस एक बात सुन ले सबसे पहले जैसे आज ना मैक्रोनी मिर्च डाली थी ना वो मिर्च ना डाल दियो भाई मुंह तो जलता ही है फिर चारों तरफ से आग लगती है भाई समझा कर बात को हाँ जी बोलिए 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 ठीक है जी ठीक है थोड़ा ना चावल में ना पानी डालना ठीक है खिचड़ी टाइप लगे हल्का हल्का ठीक है और मतलब सब कुछ मसाला मसाला मार के अच्छे से ठीक है चंगे पाउडर दीवाना हो गया जिन्हें मारे कुलरे पाछा ठीक है जी अपने ये लैंग्वेज है ना हमारी है हम ही समझ पाते हैं इसको अगर आप रिवर्स करोगे ना धीरे धीरे से तो आप भी सीख जाओगे जैसे ही आप हमारे साथ रहोगे जुड़े रहिएगा हमारे साथ हम भी आपको सिखा देंगे सांस ले लेता हूँ पहले चलो चलते हैं यार दूसरे रूम में चलते हैं एक प्याज काट दो भाई अपना प्याज अपने आप काटेगा टैटू प्रिंस टैटू भी बना लेता है यार तो मैं भी यहाँ पूरे बाजू पे टैटू बनवाऊंगा प्रिंस से परमानेंट टैटू बना देगा ना प्रिंस तू पक्का कभी खराब कर दे यार मेरी बाजू को तू ये परमानेंट नहीं बनवाता मैं हल्का सा मतलब ऐसे ही बनवा लूंगा कुछ भी आजकल बनवाते रहते हैं जो भी तरुण ने बोला है कि मेरे यहाँ पे लिखना है तुम्हें तरुण गंजे में लिख देंगे तेरे गजनी यार बस ऐसी बातें कर रहे थे हम यहाँ बैठे थे थोड़ा और नवीन तो भाई सब सो गए यहीं पे तो अभी जा रहे हैं हम रूम पर और अभी टाइम हो चुका है 3:08 बज गए हैं 3:08 हो गए हैं सुबह के मतलब रात के जो भी तो अभी मुझे व्लॉग भी एडिट करना है और तो मैं अब जा रहे हैं मैं और प्रिंस उस वाले रूम में तो अब सोएंगे आराम से जाके और ये सोएगा मतलब ये सुबह जाना है इसको ऑफिस प्रिंस को 9 बजे तो मैं अपना व्लॉग एडिट करूंगा तो फिर बस इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे समाप्त और आई होप आपको व्लॉग पसंद आ रहे होंगे और अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देख ही लिया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू आए हो फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय लव यू गाइस